हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं लंच बॉक्स स्पेशल रेसिपी, प्याज टमाटर का पराठा। बनाने में बहुत ही आसान रेसिपी है और बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आइए प्याज टमाटर का पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। प्याज टमाटर का पराठा बनाने के लिए हमने ली है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल देंगे छोटा एक चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, छोटा आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। हमने दो हरी मिर्च कट करके रखी हैं, हरी मिर्च को भी ऑयल में डाल देंगे। दो बड़े साइज के प्याज मैंने हैंडी चॉपर में कट करके रखे हैं, प्याज को भी हम कढ़ाई में डाल देंगे। गैस के फ्लेम को हमने एकदम लो कर दिया है और अब हम प्याज को हल्का सा ऑयल में मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पे प्याज को पकाना नहीं है। यहाँ पे मैंने दो बड़े साइज के टमाटर हैंडी चॉपर में कट करके रखे हैं, इनको भी हम कढ़ाई में डाल देंगे। प्याज टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस के फ्लेम को लो ही रखना है, हाई या मीडियम नहीं करना है। आइए मसाले डालना स्टार्ट करते हैं। हमने डाल दिए छोटा एक चम्मच लाल मिर्च, छोटा आधा चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, छोटा आधा चम्मच गरम मसाला, छोटा आधा चम्मच अजवाइन और छोटा एक चम्मच के आसपास कसूरी मेथी। सभी मसालों को टमाटर प्याज में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप अगर ज्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो लाल मिर्च पाउडर और ऐड कर सकते हैं। साथ ही हमने डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती। बहुत बढ़िया मसाला बनके तैयार हुआ है। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है और देखिए लुकिंग में भी कितना बढ़िया लग रहा है। और बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी भी। गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और मसाले को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। पराठों के लिए जो हमने प्याज टमाटर का मसाला तैयार किया है वो ठंडा हो चुका है। इसको हम परात में निकाल लेंगे। लगभग एक कटोरी के आसपास हम गेहूं का आटा ले लेंगे। एक बड़े साइज की कटोरी मैंने आटा लिया है। आटे में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। आटे को और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें पानी नहीं डालना है क्योंकि हमारा जो मसाला है इसमें हमने टमाटर डाले हैं और टमाटर में अपने आप से पानी है। अगर जरूरत होगी तो हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेंगे। मैंने यहाँ आटे में बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। जो हमने आटा लिया था वो मसाले में एकदम परफेक्ट रहा है। और देखिए हमारा आटा लगभग लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, हल्का सा इसमें ऑयल डाल देंगे। थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल दिया है। अब अच्छी तरह से हम ऑयल में आटे को मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा आटा है ये कहीं से भी फटे नहीं और एकदम अच्छे से एक सा हो जाए। देखिए आटा हमारा बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। आइए अब फटाफट से हम पराठे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा सा आटा लिया है और इसका इस तरह से गोल पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमने इसको गोल कर लिया है। आइए बेलना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले हम सूखा आटा लगा लेंगे और इसको पतली रोटी की तरह बेल लेंगे। ये बच्चों का बहुत ही फेवरेट पराठा होता है। आप टिफिन में इसको बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी से बनने वाला है और बहुत ही क्रिस्पी भी रहता है। और सर्दियों में, बारिश के मौसम में आप जब चाहें तब बना करके खा सकते हैं और सबको गर्मा गर्म पराठे खिला सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने और भी कई सारे पराठे की रेसिपी आपके साथ में शेयर की हुई है, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बेसन का पराठा, वेज मुगलई पराठा, चीज पराठा। देखिए हमने यहाँ पे एकदम पतली रोटी बना ली है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा घी लेंगे। आप सोच रहे होंगे अभी तक तेल काम में लिया है और अब घी। फ्रेंड्स, घी मैं इसलिए यूज में ले रही हूँ क्योंकि घी लगाने से क्या है, जो हमारा पराठा है ना इसकी परतें बहुत अच्छी तरह से खुल जाती हैं। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से घी लगा लिया है। अब हल्का सा सूखा आटा डाल लेंगे। वैसे आपकी मर्जी है, आप घी में या तेल में जैसे पराठा बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इस पर आटा भी अच्छी तरीके से लगा दिया है। अब हम एक चाकू लेंगे, इससे सेंटर में से इस तरह से कट कर लेंगे और इसको कुछ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। वापस से घी लगा देंगे, वापस से सूखा आटा लगा देंगे, एक फोल्ड और कर देंगे, फिर घी लगा देंगे। आपकी चॉइस है, घी या तेल जो आपके अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। और यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और बहुत ही शानदार रेसिपी है। इस तरह से हमने सारा फोल्ड कर दिया है, अच्छी तरह से दबा लेंगे ताकि सब तरफ से चिपक जाए। और अब इससे क्या होगा, जो हमारी लेयर है वो काफी सारी बनके तैयार होंगी। अब वापस से हम सूखा आटा डालेंगे
और आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथ से पराठे को बेल लेंगे। तवा भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। देखिए हमारा पराठा बनके रेडी है। हमने अच्छी तरह से पराठे को बेल लिया है और तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। तवा गर्म हो चुका है, हल्का सा ऑयल या घी आप तवे पे लगा लें। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप दही के साथ, सॉस के साथ, हरे धनिया की चटनी के साथ या वैसे बटर के साथ भी इनको खा सकते हैं। साइड चेंज कर देंगे। ऑयल या घी जो भी आप पसंद करते हैं उसको लगा के आप पराठे को अच्छी तरह से सेक लीजिए। इस तरह से देखिए गोल घुमा घुमा करके हमने पराठे को सेक लिया है और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है लुकिंग में, कलर भी कितना शानदार आया है। देखिए दोनों तरफ से हमने पराठे को अच्छी तरह सेक लिया है। इसी तरह से हम सारे पराठे बना के तैयार कर लेंगे। आइए मैं आपको पास से दिखाती हूँ हमारा पराठा कितना क्रिस्पी, सॉफ्ट और कितना बढ़िया बना है। दूसरा पराठा भी मैंने बना के तैयार कर लिया है और तवे पे डाल दिया है। साइड चेंज कर देते हैं। दूसरी तरफ से भी हमारा पराठा सिक गया है। अब ऑयल लगा देंगे और साइड चेंज कर देंगे। देखिए मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, हमारा जो पराठा है ये बीच में से फूल भी गया है। इसकी सारी लेयर बहुत अच्छी तरह से खुल जाती हैं। और दूसरा पराठा भी हमने बना के तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम गर्मा गर्म पराठे सभी तैयार कर लेंगे। प्याज टमाटर के गर्मा गर्म पराठे बिल्कुल रेडी हैं। देखिए लुकिंग में कितने बढ़िया लग रहे हैं। और बटर के साथ तो ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स प्याज टमाटर के पराठे बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।